हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त करुणा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बदलाव के बारे में जो प्रेगनेंसी के बाद बेबी बॉय कंसीव होने पर महिला में देखे जाते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद बेटा बेटी में भेदभाव करना बिल्कुल नहीं है। यह है वीडियो केवल नॉलेज के पर्पज से बनाई जा रही है। आज बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और देश के विकास में बराबर का सहयोग दे रही हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा और ना ही आपको नोटिफिकेशन भेजकर हम परेशान करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार आपकी मदद से ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचेगी, साथ ही साथ हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, यदि महिला के बाल कंसीव करते ही पहले से ज़्यादा शाइन करने लगे, पहले से ज़्यादा हेल्दी दिखने लगे, तो यह एक बेबी बॉय होने का संकेत है। दोस्तों, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कंसीव किया तो मेरे बालों में अचानक से शाइन आ गई। देखकर मैं खुद हैरान थी कि अचानक से इतना ज़्यादा वॉल्यूम मेरे बालों में कहाँ से आ गया। बालों को देखकर ऐसा लगता था मानो मैंने बालों में रिबॉन्डिंग कराई हो, साथ ही साथ बालों में कलर किया हो, इतना ज़्यादा शाइन करने लगे थे मेरे बाल। इसके अलावा मेरी पूरी बॉडी पर हेयर ग्रोथ पहले से ज़्यादा हो रही थी, जैसा कि मेरे हाथ पैर और फेस पर पहले से ज़्यादा बाल बढ़ रहे थे। लेकिन जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो उस टाइम पर मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे और बेजान थे और 3 से 4 माह के अराउंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। बेबी बॉय के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव की थी तो उस टाइम पर मेरे पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द हुआ करता था, जो कि लगभग 3 से 4 महीने तक बना रहा। लेकिन जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया तो उस टाइम पर मेरी कमर के निचले हिस्से में दर्द होता था और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता रहा यह दर्द भी बढ़ता ही रहा। लास्ट के 3 मंथ तक तो ये पेन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब तो मुझे रात को सोने के लिए भी पेन रिलीव जेल लगाकर मसाज करनी होती थी, तब कहीं जाकर मैं आराम से सो पाती थी। दोस्तों, मुझे पूरी प्रेगनेंसी केला, आम, अमरूद, सेब और नारियल, इन 5 फलों के सपने ही आते रहते थे। ये तो आप सभी जानते हैं कि आम का सीजन 3 से 4 महीने ही रह पाता है। मैंने आम का सीजन ख़त्म होने के बाद कंसीव किया और मेरी डिलीवरी अप्रैल तक हो चुकी थी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में आम का सीजन नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे सबसे ज़्यादा जो फल दिखता था वह था आम। पक्का हुआ आम ही मुझे हर दूसरे दिन या हर दिन सपने में दिखाई देता था। और दोस्तों, आम का सपने में देखना पुत्र प्राप्ति का सबसे बड़ा संकेत है। दोस्तों, मुझे अपने खुद के पसीने में से इतनी ज़्यादा बदबू आती थी कि मुझे 2 से 3 बार अपने कपड़े चेंज करने होते थे। अपने पसीने की बदबू मुझे ऐसी फील होती थी जैसे वो मेरी पसीने की बदबू ना हो कि किसी दूसरे के पसीने की बदबू हो। कहते हैं यदि अपने पसीने में से दूसरे के पसीने की बदबू आने लगे तो यह भी पुत्र प्राप्ति का ही एक संकेत है। इसके अलावा बड़ी बूढ़ी औरतें ये भी कहती हैं कि यदि महिला ने बेबी बॉय कंसीव किया हो तो महिला को 3 चीज़ों में से बहुत ज़्यादा महक आती है। नंबर 1 है आटा, गुथा हुआ आटा। नंबर 2 प्याज और लहसुन। और नंबर 3 है आलू। अगर आपको इन तीनों में से किसी एक में से भी बहुत तेज स्मेल आती है तो यह भी पुत्र प्राप्ति का ही एक संकेत माना जाता है। दोस्तों, मुझे अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर प्याज में से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। प्याज छोंकते टाइम मैं अपने मुंह को एक कपड़े से कवर करती थी। साथ ही रिफाइंड तेल में से तो इतनी गंदी बदबू आती थी कि अगर पड़ोसी के यहाँ भी रिफाइंड से कुछ बन रहा होता था तो मैं वहाँ से दूर जाकर बैठ जाया करती थी। इसके अलावा दोस्तों, मेरे फेस पर झाइयाँ पड़ गई थी, जो कि पुत्र प्राप्ति का ही एक संकेत बताया जाता है। दोस्तों, जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ था तो उस टाइम पर मुझे बाथरूम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ था तो मैं बाथरूम करते समय बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। बाथरूम करते समय मुझे दर्द और जलन होने के साथ साथ ऐसा फील होता था मानो
मेरे गर्भाशय से कुछ बाहर की तरफ निकलने वाला है। शुरू में तो मैं यह सोचकर डर गई कि कहीं यह अबॉर्शन का संकेत तो नहीं, क्योंकि शुरू के कुछ टाइम में मुझे हल्की सी स्पॉटिंग भी हुई थी। जब मैंने अपनी दाई माँ को दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह बेबी बॉय होने का संकेत है, न कि अबॉर्शन का। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।